मंथ की वीडियोस के लिए काफी सारे आइडियाज थे, लाइक बहुत सारे, लेकिन मैंने उसमें से कुछ नहीं किया। बजाय इसके जो मैं अभी इस वीडियो में अभी फिलहाल करने वाली हूँ वो है मेरी रूम की सफाई। लाइक मैं पिछले 7 दिनों से अपने रूम को क्लीन कर रही हूँ। हुआ ऐसा था कि स्टार्टिंग के जो 4 डेज थे वो तो इसमें निकल गए कि मुझे अपने रूम को क्लीन करना है, तो कहाँ से शुरू करूँ, यहाँ से नहीं वहां से नहीं, तो इसमें पूरे 4 दिन निकल गए। उसके बाद 3 दिन से मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, डिक्लटर कर रही हूँ, लेकिन अभी भी मेरा क्लोजेट पूरा वैसा के वैसा ही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि जब वीडियो बनाती हूँ ना तो एक एक्साइटमेंट रहती है, उस एक्साइटमेंट से काम फटाफट फटाफट हो जाता है। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। ओके सो आई हैव टू क्लीन दिस, और मेरा टारगेट ये है कि लाइक अभी बज रहे हैं 3, तो मेरा टारगेट ये है कि 5 या 5:30 तक मैं ये क्लीन कर दूं, क्योंकि उसके बाद मुझे पर्सनल स्टेटमेंट लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखने है, बहुत सारे काम करने हैं। तो मैं नहीं चाहती कि बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करके मैं धीरे धीरे से जमा हूँ, एक चीज देखूं पहन के क्या लग रही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से करूँ। लाइक मैं यहाँ से करूँ या यहाँ से शुरुआत करूँ, सो कन्फ्यूजिंग। हाँ यही से करते हैं। लेकिन आज जस्ट अपोजिट हुआ है, मैंने 3 बजे शुरू किया था, अभी 5 बज गए, अभी तो 5 बजने में 15 मिनट बाकी है। तो मैंने बहुत जल्दी, मैंने अप्रोक्स 2 आवर कंटिन्यूस काम किया है और ब्रेक अब लिया है। वैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है बिकॉज मैंने इतना कंटिन्यूसली पढ़ाई की है लेकिन काम कभी नहीं किया। ओके तो अभी मुझे एक्चुअली पर्सनल स्टेटमेंट लिखना है। वैसे तो मेरे पास दिसंबर तक का टाइम है, लेकिन अभी फिलहाल मुझे रफ स्ट्रक्चर तैयार करनी है पर्सनल स्टेटमेंट की, तो अभी सबसे पहले हम वही करते हैं। स्ट्रक्चर तैयार कर दूंगी पर्सनल स्टेटमेंट की, लेकिन रफ स्ट्रक्चर का एक पेज भी नहीं लिख पाई मैं। मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, शॉपिंग तो क्या है, ग्रोसरीज बाय करनी है, तो मुझे इसके लिए मार्केट जाना है। लेट्स स्टार्ट, गेट रेडी विद मी, आई विल गो फॉर एज सिंपल एज आई कैन बिकॉज वी आर गोइंग फॉर नॉर्मल ग्रोसरी शॉपिंग। Thank you.
유난히도 캄캄한다면 나 홀로 너를 생각하네 이런 기분 설명할 수 없어 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 yeah, yeah, yeah. 네가 좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니 초등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 같아 하루에 열 번 내 맘이 움직여 It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. It's like luck is. Good morning, everyone. सुबह सुबह मेरा face इतना puffy रहता है like puffy puffy fish की like puffy fish की तरह like my eyes, my cheek area. Drying my hair naturally. Hey everyone, I'm done with my morning things. So, काफी ज़्यादा busy schedule हो गया है आजकल. जितना मैं पहले free रहती थी, उतनी ही ज़्यादा मैं busy रहती हूँ. लेकिन important बात ये नहीं है. Important बात ये है कि मेरी skin ठंड में बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है. लाइक कम्प्लेक्शन डल हो जाता है, आप देख रहे होंगे, एक्ने हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं यहाँ पे और इस एरिया में. तो मुझे स्विच करना ही पड़ता है होम रेमेडीज से केमिकल प्रोडक्ट्स पे.
मुझे एक बार जो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट में लिखा था फेस वॉश वो, या फिर मेरे फ्रेंड ने मुझे एक बार एक फेस वॉश सजेस्ट किया था, वो था एक्मेड, वो इन दोनों के अलावा मैं कोई दूसरा फेस वॉश यूज़ नहीं कर सकती। लेकिन फिलहाल मैं न्यूट्रिप्स के प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ और मुझे उसके रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। लाइक उसका क्लींजर तो बेस्ट है, उसके इंग्रेडिएंट्स इतने हर्बल है कि विदाउट एनी डाउट यू कैन पुट योर हैंड्स ऑन दिस प्रोडक्ट। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था आई हैव अ ट्रस्ट इशू विद द केमिकल प्रोडक्ट्स एंड इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं मुझे गर्मी में सिर्फ होम रेमेडीज लाइक मुल्तानी मिट्टी का हो गया या फिर हल्दी हो गई, इन चीज़ों से ही मेरा फेस क्लीन हो जाता है। लेकिन ठंड में पता नहीं क्या होता है, मेरी स्किन पागल हो जाती है और बहुत से एक्नेज हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं और जो मेरा जो फेस का जो टोन है वो भी डल हो जाता है, डार्क होने लगता है धीरे धीरे। एंड दैट्स द मेन रीजन आई हैव टू फॉलो स्किन रूटीन डेली, लाइक मॉर्निंग रूटीन, नाइट रूटीन, सब कुछ फॉलो करना पड़ता है और इतना आलस आता है इन सबको फॉलो करने में। मॉर्निंग की तो फिर भी हो जाती, लेकिन रात के समय एक तो ठंड रहती है बहुत ज़्यादा और उसके बाद ये सब काफ़ी ज़्यादा मेहनत का काम। बाय द वे अभी बज रहे हैं एग्जैक्ट 12, नहीं अभी एक मिनट बाकी है, लेकिन मुझे अभी इंटर्नशिप के लिए जाना है। इसके बाद मुझे पर्सनल स्टेटमेंट लिखना है, घर आके रफ स्ट्रक्चर तैयार करना है जो मैं कल कर रही थी वो नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, और उसके बाद मुझे डांस वीडियो के लिए डांस सीखना है। कितना सारा काम है। सो कीप सपोर्ट, कीप शोइंग योर लव, तो ऐसे ही अपना प्यार मेरे ऊपर बरसाते रहिए। ये साउंड ऐसा कर रहा है कि मैं अपने लिए अब वोट मांग रही हूँ। बाय द वे करंटली आई एम watching Vincenzo, तो अभी मैं वैसे तो एपिसोड 5th पे हूँ, लेकिन ऐसा Vincenzo जैसा कोई और भी के ड्रामा, जापानीज ड्रामा, चाइनीज ड्रामा या कुछ भी ऐसा सिमिलर हो तो मुझे सजेस्ट करना। मुझे मैं बहुत कम सीरीज़ देखती हूँ, लाइक ये मेरी फर्स्ट या सेकेंड सीरीज ही, फर्स्ट शायद से सेकेंड सीरीज है मेरी ये। ऐसी कोई सिमिलर लाइक जो थोड़ा सा डिटेक्टिव हो उसका स्टोरी और एक्शन हो उसमें, तो आप मुझे सजेस्ट करना। बहुत सारी बातें हो गई, मेरे बाल भी सूख गए हैं। Now I have to go. मेरी इंटर्नशिप है और टाइम हो गया है इंटर्नशिप पे जाने का, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।